یزید زین
करना चाह रहा है तो मैं क्यों इस इम्तिहान से दूर हो जाऊं। मैं अपने भाई के साथ कदम से कदम चला कर कदम से कदम मिला कर चलूंगी। मैं अपने भाई का इंतहा तक साथ दूंगी। सब पता था कि कहाँ तक वफाए हुसैन है और कहाँ तक जफाए सितम है, सब जानती थी। और फिर बीवी ने इस मसाइल के हजूम में एक बात हमें बता दी, दो चीजें हमें सिखा दी। क्या बताया? कि हर तरह की मसालत कर दूंगी। क्या ये भूखा रखा जाएगा? तैयार। प्यासे होने के लिए तैयार। हाथों में रस्सियां बंधेंगी, तैयार। सबसे ज्यादा छीनेंगी, तैयार। सकीना के मुंह में तमाचे लगेंगे, तैयार। हसनी असगर का गला छिटकेगा, तैयार। प्यासों के खंजर पर नेजे और तलवारें चलेंगी, तैयार। लेकिन मसालत नहीं करूंगी दो बातों पर, एक आजादारी पर, एक रोने पर, एक मजली से हुसैन करने पर। किसी किस्म की मसालत नहीं करूंगी, ये बीवी ने बताया। पहली बात कही कि आजादारी करूंगी। याद है ना, याद है ना कि जब जिंदाब में यजीद का कासिद आया था और क्या कहा था कि सैयद सज्जाद को दरबार में बुलाया है और कहा है कि मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। तो पता है ना कि जब दो ग्रुपों में लड़ाई होती है तो वही फैसला करता है, वही शरारत रखता है जो जीतता है। तो बीबी ने क्या कहा? बीबी ने कहा था कि मुझे एक मकान दो, एक ऐसा घर दो जहाँ मैं खुलकर अपने प्यारों को रो सकूं। बीबी ने यह तो नहीं कहा था कि हमें पानी चाहिए? क्या पानी कर्बला में लेके ना था? शाम में गरीबा के बाद क्या बच्चे प्यासे नहीं थे? क्या कूफे के रास्ते में बच्चे प्यासे नहीं थे? क्या दोपहर में शाम में बच्चे प्यासे नहीं थे? बच्चों की प्यास तो पता ही कहाँ तक चलती रही। क्या सकीना प्यासी नहीं थी? क्या अली असगर के लोग के हिस्सा में जब उनको बुलंद किया गया क्या उस वक्त वो प्यासे नहीं थे? हर बच्चा पानी चाहता था। लेकिन बीबी ने कहा हमें पानी नहीं चाहिए, हमें खुराक नहीं चाहिए। अगर तुम लेना ही चाहते हो तो हमें ऐसा घर दो जहाँ हम अपनी मातम से, अपने गिरिया से, अपने प्यार को जान सकें। हमें प्यार से तो रोने की, प्यार से अपने प्यारों को याद करने की, प्यार से हमें खुलकर अब तक रोने नहीं दिया गया जहाँ कोई रोता था। साहब सज्जाद याद है ना बोला कि जब बच्ची अपने बाबा को याद कर कर रोती थी जिंदा में, अपने बाबा का सर बांधती थी और ये शेर जिंदा से आने वाला। तमाम शहीद हो चुके रोजे आशूर पर, सब शहीद हो चुके। उसके बाद अशिया की फौज खयाम में आई, बीवियों की चादरों इस मतों में चादरों पे हाथ डाला, बीवी शहरों का एक के पीछे बीवी के पीछे जाती, कभी दूसरी बीवी के पीछे जाती। आखिर मेरे प्यार साले एक नेसा है, सारे लोग के नेसा पे अभी भी के सर से चादर चली गई। ऐसे
किसी एक ऐसे आयतुल्ला से अपने मसले से